आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो, यदि आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आप 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तथा आपके पास सामान्य हिंदी अथवा साहित्यिक हिंदी कोई भी विषय है, तो आपके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। जी हाँ, इनका सबसे आसान शब्दों में जीवन परिचय आपको हम बताएंगे इस वीडियो के द्वारा, और साथ ही साथ इनका साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाओं के नाम, कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम भी लिखना होता है आपको इंटर की बोर्ड परीक्षा में। और साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या स्थान है, और यदि आपने इसके पहले का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है सबसे आसान तरीके से डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय तथा साहित्य में स्थान और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर तुरंत देख लीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कुछ प्रमुख कृतियों यानी रचनाओं के नाम और साहित्य में इनका स्थान क्या है आदि के बारे में जानते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे? जीवन परिचय आप हेडिंग डालेंगे, फिर आपको लिखना है श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म? सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रकांड ज्योतिष पंडित अनमोल दुबे और माता श्रीमती ज्योतिष कली देवी थी। इनके पिता प्रकांड पंडित थे और बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य भी थे। और इनके पिता का नाम क्या था? अनमोल दुबे। और माता जी का क्या नाम था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ज्योतिष कली देवी। और इन्होंने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सन 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से कौन सी उपाधि प्राप्त की? ज्योतिषाचार्य जी की उपाधि प्राप्त की। और वर्ष 1940 ईस्वी से वर्ष 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक रहे। सन 1940 ईस्वी से सन 1950 ईस्वी तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के क्या रहे? निदेशक रहे। और वर्ष 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1950 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के क्या बने? हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। और वर्ष 1960 ईस्वी से वर्ष 1967 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय, जो कि चंडीगढ़ में था, में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1966 ईस्वी तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। वर्ष 1979 ईस्वी में यह महान साहित्यकार सदा के लिए चिर निंद्रा में लीन हो गया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में। और इनकी मृत्यु कब हो गई? सन 1979 ईस्वी में हो गई। तो ये था इनका जीवन परिचय, जो कि बिल्कुल आसान और सबसे सरल शब्दों में है। जब आप वीडियो को एक से दो बार देखेंगे और अपनी नोटबुक पर
इस जीवन परिचय को लिख लेंगे, आपको याद करने में भी आसानी होगी। अब आप जान लीजिए इनका साहित्यिक परिचय क्या है। साहित्यिक परिचय भी बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर इन्होंने साहित्य में क्या योगदान दिया, हिंदी साहित्य में इनका योगदान क्या था, या हिंदी साहित्य के लिए इन्होंने क्या क्या किया। आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आधुनिक युग के शुक्ल युग के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और वर्ष 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। वर्ष 1957 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को इनके साहित्य में योगदान के कारण क्या दिया गया, पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। सबसे पहली रचना है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें आपको याद करना है। अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा जो कि इनका उपन्यास है, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। तो इन रचनाओं को भी आपको याद कर लेना है। अब आपको लिखना होता है इंटर की बोर्ड परीक्षा में कि लेखक या कवि का साहित्य में क्या स्थान है। तो साहित्य में स्थान क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हिंदी साहित्य जगत में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी विद्वान, समालोचक, निबंधकार एवं महान साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे। ये है इनका साहित्य में स्थान। और इस तरह से जब आप लिखेंगे इनका जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय, रचनाएं और साहित्य में स्थान, तब आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर मिलेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल दुबे था। माता का नाम ज्योतिष कली देवी था। और इनकी मृत्यु कब हो गई, 1979 ईस्वी में। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि इस प्रकार से हैं, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। और साहित्य में स्थान भी लिखना होता है आपको बोर्ड परीक्षा में। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो आपके नंबर जरूर आएंगे। तो चैनल पर यदि आप पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेहनत के साथ पढ़ते रहिए और अपनी नोट्स को तैयार करते रहिए। इस चैनल पर आपको कक्षा 9 से कक्षा 12 तक हिंदी विषय, साथ ही साथ अन्य विषयों की भी महत्वपूर्ण वीडियो और साथ ही साथ हैंड राइटिंग PDF फ्री उपलब्ध होगी। बस आपको चैनल के साथ जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करना है। जय हिंद।